फॉर लूप। इससे पहले हमने व्हाइल लूप डिस्कस किया था। जो आप व्हाइल लूप से कर सकते हैं वो फॉर लूप से भी कर सकते हैं, और जो आप फॉर लूप से कर सकते हो वो व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। फिर भी सी में एक कन्वेंशन है कब आप व्हाइल लूप यूज कर सकते हो और कब आप फॉर लूप यूज करना है। अगर आपको पहला ही पता है कितने बार आपको लूप करना है, तब आप फॉर लूप यूज करोगे। व्हाइल लूप तब आप यूज करोगे जब आपको पहले पता ना हो कि ये लूप कितने बार चलने वाला है, तब आप जनरली व्हाइल लूप यूज करोगे। तो समझ लीजिए, मैं 1 to 10,000 नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। मुझे शुरुआत का नंबर भी पता है, मुझे 10,000 नंबर प्रिंट करना भी पता है, तो मुझे बिगिनिंग और एंड पता है, तो ऐसे केस में मैं फॉर लूप यूज करूंगा। दूसरा केस समझ लीजिए, मुझे यूजर ने एक नंबर एंटर करने वाला है, उस नंबर को मैं चेक करूंगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मुझे ये गेस नहीं कर पाऊंगा कि कब ये नंबर प्राइम या नॉट प्राइम होगा, तब ऐसे स्थिति में मुझे पता नहीं है कि ये लूप कब ट्रू या फॉल्स होगा। ऐसे एग्जाम्पल में हम जनरली व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ एक फॉर लूप का डिक्लेरेशन है। तो इस फॉर लूप में हमने क्या कर दिया, एक इंटीजर वेरिएबल आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। जब तक आई 2 से कम है, मैं आई का वैल्यू प्रिंट करते जाऊँगा। तो पहले फॉर लूप का वर्किंग आपको समझाता हूँ। ये जो आई इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ पहली बार या एक ही बार होगा। उसके बाद अगले बार क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, इज 0 लेस देन 2, ये ट्रू है, इसलिए आई का वैल्यू प्रिंट होगा, यानी 0 यहाँ आउटपुट पे प्रिंट होगा। अब आई का वैल्यू बढ़ेगा 0 to 1, वापस कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन 2, ट्रू है, तब आउटपुट में 1 प्रिंट होगा, 1 से आई का वैल्यू हो जाएगा 2। जब यहाँ कंपैरिजन के लिए आएगा 2 इज लेस देन 2, तब ये फॉल्स हो जाएगा और ये प्रिंट नहीं होगा और ये स्टेटमेंट से बाहर आएगा। तो अभी हम एक कोड फ्लो या कोड ट्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, ऐसे कर रहे हैं, हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया। ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेप है, केवल एक बार या पहली बार ही इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद ये टेस्टिंग होगा कि क्या आई 2 से कम है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, आई का वैल्यू प्रिंट होगा, यानी यहाँ 0 प्रिंट होगा। अगला स्टेप पे मैं क्या करूँगा, आई का वैल्यू बढ़ाऊँगा, तो आई बन गया 1। आई बढ़ने के बाद मैंने टेस्टिंग करूँगा कि क्या 1 इज लेस देन 2, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए आई का वैल्यू प्रिंट होगा 1। जब आई का वैल्यू 1 होगा, वापस आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस यानी आई का वैल्यू 2 होगा। वापस मैं टेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि क्या 2 इज लेस देन 2, ये कंडीशन फॉल्स है, तब मैं लूप के बाहर आऊंगा। तो ये था एक कोड फ्लो यानी कोड ट्रेस, फॉर लूप कैसे चलता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको फॉर लूप कैसे जनरेट होता है या फॉर लूप कैसे नंबर 0 to 10 प्रिंट कर देगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने एक इंटीजर वैल्यू आई इज इक्वल टू 0 शॉर्ट इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, जो साइंड इंटीजर है। इनिशियलाइजेशन आई इज 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, तब तक मैं आई का वैल्यू प्रिंट करूंगा। अगर मैं इक्वल टू हटा दिया, तब सिर्फ 0 to 9 प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने लेस देन और इक्वल टू कहा है, तब आपको 0 to 10 प्रिंट होगा। तो इनिशियली इनिशियलाइजेशन होगा, 0 इज लेस देन 10, ट्रू है, आई का वैल्यू 0 प्रिंट होगा। अगली बार आई बढ़ेगा 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू है, तो 1 का वैल्यू प्रिंट होगा, आई बनेगा 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है, तो 2 प्रिंट होगा, आई बनेगा 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू है, वापस 3 प्रिंट होगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा जब आई का वैल्यू बन जाएगा 11। जब आई का वैल्यू 11 बन जाएगा, 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10, तब ये बाहर आएगा, रिटर्न 0 प्रिंट करके, सॉरी रिटर्न 0 एग्जीक्यूट करके ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर लूप कैसा लिखना है, उसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ। उसको फॉर लूप
सिंटैक्स बताने की दो तरीके हैं। फॉर लूप जनरली यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया जाता है, यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ जाता है, और यहाँ पे वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी वेरिएबल अपडेशन किया जाता है, और इस ब्लॉक ऑफ इसमें जीरो या मोर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। अब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि फॉर लूप्स का सिंटैक्स ऐसे भी हो सकता है, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री। क्योंकि अगर आप देखोगे आई इज असाइन जीरो, ए एक्सप्रेशन वन हो गया, ए रिलेशनल ऑपरेटर है तो ए भी एक्सप्रेशन टू हो गया, आई प्लस प्लस भी एक्सप्रेशन थ्री हो गया। चाहे आप ए यूज कर सकते हैं, यू ए यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब तक जीरो और मोर इंस्ट्रक्शंस जो इस ब्लॉक के अंदर होंगे वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये था फॉर लूप का एक सिंटैक्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर और व्हाइल का डिफरेंस क्या है। मैंने पहले भी बता दिया था लेकिन फिर भी एक बार समराइज करूंगा। आप व्हाइल से जो कर सकते हो वो जरूर फॉर से कर सकते हैं, उसी तरह जो फॉर से कर सकते हैं बिल्कुल व्हाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन सी में एक प्रैक्टिस यानी एक संप्रदाय है, जब आपको शुरुआत पता हो और आपका अंत पता हो तब आप जनरली फॉर लूप यूज करते हो। जब आपको पता नहीं कि कंडीशन कब फॉल्स होगा तब आप व्हाइल लूप यूज करोगे। तो ये था आपको फॉर लूप के बारे में इन्फॉर्मेशन। इससे आगे जब हम काफ़ी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा।